नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त हमारी मौजूदगी बख्तियारपुर थाना में है। आपको बताते चले कि बख्तियारपुर थाना का आज कोसी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार के द्वारा जो है निरीक्षण किया गया है। उन्होंने वो थाना परिसर में बख्तियारपुर पुलिस सर्किल क्षेत्र के विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्र के ओपी अध्यक्षों एवं थाना अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में आपको बताते चले कि सबसे बड़ी आश्चर्य बात ये रही कि चौकीदारों के साथ भी मीटिंग किया गया, यानी चौकीदार को भी जो है इन्होंने अपने मीटिंग में रखा। मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि क्राइम कंट्रोल और भूमि विवाद को लेकर जो है वो बहुत सेंसिटिव है और इसके लिए उन्होंने एक महीने का जो है समय दिया है सभी थाना अध्यक्षों को कि वो जो है इस पर अमल करें। आइए सुनते हैं इस मौके पर डीआईजी मनोज कुमार क्या कह रहे हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए आमजनों को। पिछले सप्ताह योगदान किया है और हाल में नए संकल्प के साथ जो काम करना है उसको रेखांकित कर दिया है। प्रथम है भूमि विवाद, इसमें बहुत ही साफ मन से काम करना है, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करना। इससे क्या है कि लड़ाई झगड़े खून खराबा बंद हो जाए। ट्रैफिक एक बिंदु है, ट्रैफिक में काम करने से जनता को बड़ी सहूलियत होती है, उससे व्यापार और व्यवसाय बढ़ने लगता है और जीवन में क्वालिटी आ जाती है। तो हमने कहा है कि आप यहाँ के लोगों से बैठक करिए, जहाँ भरी समस्या है वही लोग आपको तुरंत समाधान दे देंगे, क्योंकि वो स्वयं समाधान चाहता है, आप थोड़ा पहल करिए। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु बताया है कि जन संतुष्टि हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कि वैसे कौन से काम करें जिससे जनता हमारे पुलिस के कार्य से संतुष्ट हो, वही रिवार्ड है और वही इनके लिए पैमाना है। मैंने एक महीने का समय दिया कि वो इस बिंदु पर तमाम काम करिए। नए जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हमने विचार मांगे कि आप लिख के हमको बताइए कि कौन कौन से वैसे काम करने चाहिए जिससे जनसंतुष्टि बढ़े। पुराने पदाधिकारी हैं जो लंबे समय से काम किए हैं, उनको हमने कहा है कि आप रिकलेक्ट करिए अपने दिमाग पर जोर डाल करके कि आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे जिससे संतुष्टि बढ़ी होगी। तो आप लिख के देंगे और नए लड़कों को बताएंगे तो उनको ज्ञान बढ़ेगा कि भाई कहाँ पर काम करने से प्रशंसा मिलती है। तो तमाम बिंदु पर हमने बात किया है, चौकीदारों से भी बात किया है कि पक्ष विपक्ष मत करिए। आप हैं जो वर्दी पहन रहे हैं, आप हैं जो गांव में रहते हैं, आप हैं जो पुलिस के इज्जत को बढ़ा सकते हैं, तो उनको भी हमने कहा है कि कार्यप्रणाली में चेंज लाइए। और जमीन विवाद में तो कोई समझौता नहीं, अगर कहीं विवाद होता है, गोली चलती है, मारपीट होती है, तो हम उस पदाधिकारी को जो जिसके जिम्मे था उसका हम फेलियर मान रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एक बार संज्ञान में आ गया कि ये विवाद है तो उसको डेट मिल जाता है कि फलां शनिवार को आप आइए, और इस डेट के बीच में अगर कोई झगड़ा करता है तो पहले जाने वाले को पर आप कार्रवाई करिए ना। ठीक है, पहले जिस डेट में है समाधान नहीं हुआ, अगला डेट मिलेगा, क्या फर्क पड़ता, जमीन तो कहीं जा नहीं रहा। अगला डेट जब कोर्ट में आप है जो सालों वेट कर सकते हैं तो प्रशासन में आप काहे नहीं दो महीना वेट करते। तो तमाम बिंदु पर हमने बात की है, उनके कल्याण की भी बात की है कि वो जहाँ रहते हैं, जो खाते हैं, जिस गाड़ी पर बैठते हैं, जो पहनते हैं कपड़े, सब है जो साफ सुथरे होने चाहिए। तो ये एक दिन में नहीं ठीक होगा, लेकिन एक सोच है, अगर दिमाग बनाएंगे, मन बनाएंगे तो निश्चित से बदलाव आएगा। और आप लोग से भी अनुरोध होगा कि आप लोग पब्लिक तक पुलिस की बात पहुँचाते हैं जी। तो हम पब्लिक से चाहेंगे कि पुलिस के अच्छे काम में ज़रूर मदद करिए, आगे बढ़ के मदद करिए। पुलिस और जनता के बीच में विश्वास होनी चाहिए। अगर विश्वास हासिल हो जाता है कि कोई सूचना देते हैं या कोई बात कहते हैं उसमें गोपनीयता की ज़रूरत है, तो अगर गोपनीय रहती है तो निश्चित रूप से ताकत बढ़ेगी प्रशासन की। नए वर्ष की शुभकामना आप लोग को भी और सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सभी लोगों को। नववर्ष आप लोग का बहुत बहुत मंगलमय। थैंक यू।